उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के ट्विटर अकाउंट को वापस मिला ब्लू टिक, अकाउंट हुआ था अनवेरिफाइड। पश्चिमी विक्षोभ के चलते दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम, आज भी उत्तर भारत को मिलेगी गर्मी से राहत। देश में टीकाकरण तेज, अब तक लगाई गई वैक्सीन की 22 करोड़ 75 लाख डोजेज। ओएनजीसी ने 3 कार्यकारी निदेशकों को किया निलंबित, टाकटे तूफान के दौरान लापरवाही का मामला। नीति आयोग ने कहा सितंबर अक्टूबर में आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर, तैयार रहने की जरूरत। सीएम योगी आदित्यनाथ का निर्देश, एक्सप्रेस वे के साथ में गांवों के स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस भी बनाए कंपनियां। जुलाई में 3 करोड़ लोगों को लगेगी वैक्सीन, हर दिन दी जाएगी 10 लाख डोजेज। बसपा से दूर होते दिग्गजों ने मायावती के लिए बढ़ाई चुनौती, साल 2022 में सत्ता में वापसी की राह हुई मुश्किल। यूपी की सीमा से बाहर 15 दिन और नहीं जाएंगी रोडवेज की बसें, अब 15 जून तक संचालन पर लगी रोक। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का आरोप, झूठे आंकड़ों से जनता को बरगलाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी सरकार। ईरान की सीमा पर बाढ़ लगाएगा पाकिस्तान, गृह मंत्री ने कहा आतंकवाद को रोकने के लिए उठाया कदम। अपने दावे पर अड़ा चीन, वुहान लैब से वायरस लीक होने से किया इनकार, बताया साजिश। जो बाइडन के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार बोले, कोरोना से बचाव में मददगार साबित हो रही भारतीय वैज्ञानिक मेधा। भारत के पक्ष में खड़े हुए सेनेटर शुमर बाइडन से कहा 8 करोड़ डोज वैक्सीन में भारत का हिस्सा अलग करो। दक्षिण अफ्रीका की अदालत ने गुप्ता परिवार की संपत्तियां की फ्रीज, 1.2 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी का आरोप। बारिश की भेंट चढ़ा तीसरे दिन का इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड मैच, नहीं फेंका गया एक भी गेंद। पूर्व कप्तान राशिद लतीफ ने किया खुलासा, बताया भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट में क्या है मुख्य अंतर। आईसीसी ने किया ऐलान, भविष्य में भी खेली जाती रहेगी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का दावा, भारत में नहीं खेला जाएगा T20 वर्ल्ड कप। भारत में नहीं, यूएई में होगा T20 वर्ल्ड कप, बीसीसीआई के पास देश में आयोजन के लिए कोई ठोस योजना नहीं। शहनाज गिल और सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस के लिए गुड न्यूज, जल्द ही फेमस टीवी शो में आ सकते हैं नजर। नेटफ्लिक्स ने शेयर किया मनी हाइट्स के सीजन 5 का फर्स्ट लुक, इस बार ज्यादा धमाकेदार होगी चोरी। द फैमिली मैन 2 के विरोध के बीच में समंथा ने तोड़ी चुप्पी, तमिल कल्चर को लेकर दिया ये बयान। टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी के केप टाउन जाते ही बेटी पलक ने शेयर की बेहद ही बोल्ड तस्वीर, इंटरनेट पर वायरल। द फैमिली मैन 2 पर बड़ा बवाल, अब तमिलनाडु सरकार के मंत्री ने प्रकाश जावड़ेकर से की बैन करने की मांग।
और इसी के साथ यहां पर एक छोटा सा ब्रेक फॉरन नजर होता है।